हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है वन आर्म पुशअप। आप कैसे सबसे पहले अपना वन आर्म पुशअप कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए, तभी मैं बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने डीएम भी किया था कि भाई तू वन आर्म पुशअप कैसे कर लेता है, तो हमें भी बता। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। वन आर्म पुशअप काफ़ी अलग होते हैं बेसिक पुशअप से, क्योंकि बेसिक पुशअप्स में जो बॉडी वेट होता है वो आपके दोनों हाथों पर होता है। वन आर्म में आपको एक ही हाथ से अपनी बॉडी पूरी बॉडी को लिफ्ट करना होता है। तो आगे वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिसको अगर आप मतलब कि हर स्टेप करते रहोगे अच्छी तरह, तो डेफिनेटली आप अपने वन आर्म पुशअप भी कर लोगे। पर स्टेप्स फॉलो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 30 पुशअप्स लगातार मार सकते हैं, 30 पुशअप्स इन ए रो अगर आप मार सकते हैं, तो आप वो स्टेप्स फॉलो कीजिए, क्योंकि वन आर्म पुशअप में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उतनी ज़्यादा, तो आप वन आर्म पुशअप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वन आर्म पुशअप में खाली आपके चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, अपर बॉडी इंक्लूड नहीं होती। आपके जो ग्लूट्स होते हैं, जो आपके हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, जो आपके क्वाड्स मसल होते हैं, जो आपकी लोअर बैक होती है, वो ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती है। इसलिए आपकी अपर बॉडी के साथ साथ आपकी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला स्टेप वही फॉलो कीजिए जो 30 पुशअप कंटिन्यू कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते उनको अभी थोड़ी स्ट्रेंथ, अपने आर्म्स में स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। और अपर बॉडी और लोअर बॉडी का वर्कआउट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा लिंक। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, और कोई भी क्यूरी हो या कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है होल्ड योर पोजीशन। आपको एक पुशअप की पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए, पैर टॉप पर फिर बॉटम पर। आपने इसके करीबन 3 सेट लगाने हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे आर्म्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जिससे कि हम अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाए, क्योंकि आगे स्ट्रेंथ का बहुत यूज़ होने वाला है। अब सेकंड स्टेप है हमारा आर्चर पुशअप्स। आप देख सकते हैं कि आर्चर पुशअप्स में मैं अपना बॉडी वेट बारी बारी अपनी अलग अलग आर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि जो मेरी आर्म है उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरा बॉडी वेट उठा सकती है। ये चेक करने के लिए है कि आपकी एक आर्म में कितनी स्ट्रेंथ है। आप फॉर्म देख लीजिए, ऐसे ही करना है आपने भी। अब थर्ड स्टेप है हमारा होल्ड पोजीशन ऑन वन आर्म। असली प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है आपके वन आर्म पुशअप का। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी फॉर्म है वो कितनी अलग है। आपको जो अपने दोनों पैर है, दोनों फीट आपको वो थोड़े वाइड ओपन करने हैं। आपने एक आर्म पे अपने आप को होल्ड करना है और दूसरी आर्म अपने हैमस्ट्रिंग पे रखनी है, ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन होए। आप फॉर्म देख लीजिए मेरी, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है इंक्लाइन वन आर्म पुशअप। अगर आपने पिछला स्टेप अच्छे से किया है तो ये करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको बस अपनी फॉर्म बिल्कुल सही रखनी है, और इंक्लाइन पुशअप्स इसलिए क्योंकि इसमें कम स्ट्रेंथ यूज़ होती है। ये बेसिकली आपका पुशअप टेस्ट करने के लिए है कि आप असली में कर पाओगे या नहीं, क्या आपकी फॉर्म सही जा रही है या नहीं। अब हमारी फाइनल स्टेज आती है कंप्लीट वन आर्म पुशअप। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि मैंने अपनी फीट कैसे प्लेस की हुई हैं। मेरा एक हाथ मेरे हैमस्ट्रिंग पे है, जिससे कि मैं अपनी बॉडी का बैलेंस बना पा रहा हूँ। वन आर्म पुशअप में सिर्फ आपके आर्म्स यूज नहीं होंगे, वन आर्म पुशअप में आपका आर्म्स, आपका चेस्ट, आपका कोर, सब कुछ यूज होगा।